ये अनुरोध करते हैं कि आप हमारी बहनें हैं, बाहर के नहीं है, क्योंकि मुसलमान हिंदुस्तान का मूल निवासी है, ब्राह्मण जो है वो विदेश से आया हुआ है। इसलिए अपनी बहनों को मिलना, अपनी बेटियों को मिलना एक हमारा फर्ज बनता था। तो ताली मत बजाओ, सोचो समझने की बात है कि जो आज का दौर चल रहा है ये हमें एक सोच समझ की तरफ ध्यान देना चाहिए कि हम लोग कहाँ पे हैं। ये हमारा देश है, हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियां देकर इस देश को आज़ाद कराया है, और आज तक क्या हमारे देश का हर मुसलमान 5 बार इस धरती को चूमता है आपको ध्यान नमाज के टाइम। और हम लोग अपने भाइयों के खिलाफ ऐसा अत्याचार, ऐसा जो है प्रचार किया जा रहा है मीडिया के अंदर, हमारी बहनों को तरह तरह के, किसी ने किसी में, अभी यूके में था, मेरी बेटी यूके में है, तो थोड़े दिन पहले मैं वहीं था, तो मैं वहां जब देखा तो दिल में बड़ा दुख लगा कि भारत के अंदर जिन लोगों ने कुर्बानियां दी हो, जिन लोगों ने देश को आजाद कराया हो, उनकी बेटियों, उनकी बहनों के ऊपर तरह तरह के कसे जा रहे हो, तन कसे जा रहे हो, उनको बिरयानी खिलाई जा रही है, उनको अपने वहां पे तरह तरह की बातें की जाती हो, आप देखो उनका हाल क्या है। लेकिन ये कोई बात नहीं सुनना था, क्योंकि मीडिया जो हमारा बिकाऊ मीडिया हमारी सत्य की बात को छुपाता है। और इसलिए अपने आप को मजबूत करो, क्योंकि हिंदुस्तान हमारा है, हमें नया पाकिस्तान के नाम से बशौर किया जाता है कि यहाँ नया पाकिस्तान बनेगा। पाकिस्तान तो पाकिस्तान बना था, चले जाते उस टाइम हम लोग उसी टाइम हम चले जाते। अगर हमारे को इस धरती से प्यार था तो हम लोगों ने इस धरती को चूम कर अपना माना है, और आज हम इस देश के मालिक हैं। कभी तुम ध्यान दे रहो, आगरा हमारे किसी हिंदू ने नहीं बनाया, ताजमहल लाल किला किसी हिंदू ने नहीं बनाया, कितनी कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है जो हमारे बुजुर्गों ने दी है हमें, 8 पुश्ते भारत की राज कर चुकी है इस देश पर, हम लोग मालिक हैं इस देश के। अगर इतना ही होता तो हम लोग चले जाते पाकिस्तान, नहीं हमने पाकिस्तान को नहीं माना, ये हमारी सरजमीं, हमारे बुजुर्ग यहाँ दफन है, इस धरती पे हमारे बुजुर्गों का खून लगा हुआ है। इसलिए हमको तकड़े होकर, एक होकर, ये जो मैं एक और बात अपील करना चाहूँगा हमारे दोस्तों से कि कुछ मौलवी जो इनके लगे हुए हैं आरएसएस के पीछे, उन लोगों को शर्म आनी चाहिए इस बात के लिए, अपनी कौम के दुश्मन बने हुए हैं जो लोग, उनको डूब के मर जाना चाहिए। हमारी बहनों के लिए हमको एक होके आगे बढ़ के काम करना चाहिए। कई लोग प्रचार कर रहे हैं उनका टीवी पे, आप देखो उन लोगों का कि वो लोग टीवी के ऊपर जब वो कहते हैं जी ये CAA बहुत बढ़िया है, अरे CAA बढ़िया तो ये, हम तो ये चाहते हैं कि किसी का पासपोर्ट ही ना हो, किसी के पास कोई सर्टिफिकेट ना, सच्चे लोग चले इधर का आवाज़ पाकिस्तान से, इधर आ जाए पाकिस्तान के, उधर चले जाए इंग्लैंड चले, क्या जरूरत है हमें पासपोर्ट की। हम लोग सच्चाई से रहें दुनिया में, सत्य का कमाई करें, जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद साहब ने जो हमें प्रचार किया है, हमारे पड़ोसी से प्यार करने के लिए बोला है, तो उस हदीस को अगर लोग माने तो हमारे में झगड़ा ही नहीं हो सकता। कोई भी इंसान एक दूसरे से झगड़ा नहीं करेगा। हमको एकता का फरमान दिया गया, एक बैठ के एकता बना कर रखने के लिए बोला गया। ये देश हमारा है, इस देश को हमने अपने खून से सींचा है। सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ मुसलमानों और सिखों की हुई है, 2% सिखों की आबादी होते हुए भी 85% सिखों की कुर्बानियाँ हैं। हमारे गुरुओं ने यहाँ पे शीश दिए हुए हैं, हमारे बुजुर्गों ने यहाँ पे अपने बुजुर्गों ने अपनी बहनों के लिए लड़ाइयाँ लड़ी हैं, और आज हम लोग क्या तमाशा देख रहे हैं कि आरएसएस के लोग हों या कोई भी बजरंग दल के लोग हों, आगे यहाँ पे बकवास करते हैं खड़े होकर। हमें इस बात पे ध्यान देना चाहिए, हम लोगों ने इस देश को, मेरे बुजुर्गों ने और हम लोग आज भी चूमते हैं 5 दफा नमाज पढ़ते हुए दिन, तो हम कैसे यहाँ से भाग जाएंगे, कौन है हमें भगाने वाला, किसी की क्या हिम्मत है। इसलिए एक होकर मैं अपनी, क्योंकि जिस समाज की बहनें माताएं आगे होंगी वो समाज कभी पीछे नहीं होता। ये बहुत खुशी की बात है कि जिस समाज की बहनें आगे आई हैं, पहले लोग डराते थे अरे औरतों को आगे कर दिया, अरे नहीं, अपने समाज की बहनों को आगे करो और समाज के अंदर एकता लाओ, समाज के अंदर मिल के काम करो। CAA का हम पुरजोर विरोध करते हैं और करते रहेंगे। हम लोग खालिस्तान इसीलिए मांग रहे थे कि हमें हक नहीं मिला, ये तो हमें खालिस्तान की मांग की जरूरत नहीं, इसलिए हमें खालिस्तान चाहिए, इसलिए हमें भी हक चाहिए अपने हक की लड़ाई के लिए। कभी भी पीछे मत फरो, हम आपके साथ हमेशा है, हमेशा रहेंगे।
हमारे खून का एक कतरा अपनी बेटियों के लिए है, इसलिए मैं अलाउंस करता हूँ आज अपनी सभा को इस बात को विराम देता हुआ मैं आपसे क्षमा कर जा चुका हूँ। किसी के खिलाफ अगर कुछ बोला गया हो तो मैं माफी चाहता हूँ। धन्यवाद।